तो उसके लिए आप अभी से इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो जस्ट किडिंग यू कैन रुविन हाँ उड़ दबंग दबंग सुन दबंग फोर का स्क्रिप्ट रेडी कर क्या दबंग वन का रिमेक करके ही दबंग फोर बनाएगा तू अरे हेलो एंड भैसेस मैं सूरज कुमार एंड अभी आपको न्यूज़ तो मालूम ही रहेगा कि सलमान खान इज़ प्लानिंग टू डू अ रीमेक ऑफ मास्टर मूवी क्योंकि उनको मास्टर मूवी काफ़ी पसंद आई है एंड उसकी स्टोरी एकदम उनको भाग गई है बहुत ही अच्छी लगी है। लेकिन मेरा दिल और पूरी आत्मा टूट जाती है जब ये चीज़ पर सुनने मिलता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आर प्रिफरिंग रीमेक मूवी जब बड़े सेलिब्रिटीज़ उनका कोई एथिक्स ही नहीं है वो लोग ऐसे ऐसे रीमेक करने जा रहे हैं तो फिर क्या बोल सकते यार हाँ देखो ऐसा नहीं कि मैं बॉलीवुड को हेट करता हूँ देखो यार अगर अच्छी फिल्म हो फिर चाहे उसमें नेपोटिज्म का पार्ट हो या कोई भी हो लेकिन अच्छी फिल्म हो अच्छा आर्टिस्ट है अच्छा एक्टर है तो सबसे पहले मैं ही सपोर्ट करता हूँ लेकिन जब ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा दिल टूटता है सबसे ज्यादा क्योंकि हम लोग मूवी लवर है यार हम लोग कनेक्टेड है हर सारी चीज़ों से हर इंडस्ट्री से हम लोग कनेक्टेड है तो कितना पेन होता है यार एंड देखो रिमेक करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ओरिजिनल मूवी जैसा मैजिक क्रिएट करना खाने की बात बिल्कुल नहीं है एंड सलमान भाई से मैं इतने कहूँगा कि आप इतने लकी हो कि आपकी फ्लॉप फिल्म को भी आपके फैंस एक बार तो देखते ही है रेस थ्री वन फिफ्टी करोर पार दबंग थ्री वन फिफ्टी करोर पार ट्यूबलाइट सौ करोड़ पार अरे यार इतना सपोर्ट कौन से स्टार को मिल रहा है इवन एस आर के को भी नहीं मिल रहा है उनके फ्लॉप फिल्म पे लेकिन आपको मिल रहा है यार आपको सोचना चाहिए कि अगर आप अपने फैंस को एकदम दमदार पावरफुल मूवी दे दोगे तो आपके फैन से हजार करोड़ तक पहुंचा देगा आपकी फिल्म हजार करोड़ तक और वो रिकॉर्ड तोड़ना खाने की बात नहीं है बिल्कुल खाने की बात नहीं है अरे यार अगर आप लोग सौ करोड़ दो करोड़ अपने फिल्मों पर लगाते हो तो लाख दस लाख रुपए लगाओ अच्छे राइटर्स को पकड़ो बॉलीवुड में वैसे ही अच्छे अच्छे राइटर स्ट्रगल करने आते हैं उनको उठा के बोलो फिल्म फिल्म लिख के दो ऐसे ऐसे फिल्में लिख के देगी आपकी किस्मत बदल जाएगी वापस से आपको बैक बैक टू बैक हिट मिलने लग जाएंगे यार क्यों नहीं मौका दे रहे, अगर ऐसा हुआ तो फिर रिमेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार खुद ही सोचो एंड मास्टर मूवी का रिमेक यार सलमान भाई मास्टर का कर रीमेक करोगे ना तो ऑडियंस को प्लास्टर लगाना पड़ जाएगा सीरियसली मैं बता रहा हूं यार एंड देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा मास्टर मूवी की खास बात क्या थी उसकी कहानी नहीं उस मूवी का स्टाइल स्वैग गाना एक्शन क्लाइमैक्स एंड विजय थालुपति का खुद का अवतार एंड विजय सेतुपति का डेडली अवतार एज अ विलन यही सारी चीज़ बेस्ट चीज़ थी यार एंड देखो मास्टर मूवी में विजय थालापति का ना कोई बॉडी नहीं था लेकिन फिर भी वो जिस हिसाब से विजय सेतुपति इतना डेडली विलन इतना हट्टा घट्टा आदमी को मजा चकाता है ना वो देख के ऑडियंस को मजा आता है एंड ऑडियंस मान भी जाती है कि यार सीरियसली विजय थालापति ने मज़ा चका दिया लेकिन यहाँ पर आप किसको लोगे मान लो सलमान खान विजय थालापति का रोल प्ले करते हैं लेकिन विजय सेतुपति के रोल के लिए आप किसको लोगे जॉन अब्राहम को लेकर वो सी बॉडी दिखाएंगे आके लेकिन एक्टिंग कहाँ से दिखाएंगे एंड विजय सेतुपति जैसा डेडली कैरेक्टर प्ले करना खाने के बाद बिल्कुल नहीं है क्योंकि जॉन एब्रह सिर्फ और सिर्फ बॉडी दिखा सकते हैं एंड देखो आपने मुंबई से देखा रहेगा जॉन अब्रह्म क्या करे बॉडी दिखा रहे पीट रहे एंड चिल्ला रहे चिल्ला भी कैसे रहे आज से जिसने हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा अरे सर ऑडियंस का वैसे ही कट गया वो फिल्म देख के लेकिन मैं एक विनती करूंगा सलमान भाई से कि प्लीज सलमान भाई विजय तालापति एक ऐसा स्टार है ना जिनका खुद का स्वैग है खुद का खुद का स्टाइल है एंड आपका भी खुद का स्वैग है खुद का स्टाइल है एंड आपको ये जो पुराने डायरेक्टर्स है ना आपके फैमिली डायरेक्टर्स लाइक रेमो डिसोजा प्रभु देवा ये लोग ये लोग से आपको दूर ही रहना चाहिए ऑनेस्टली बोल रहा हूँ दूरी रहना चाहिए आपको नए नए डिरेक्टर्स के साथ ट्राई करना चाहिए अगर आपने नए नए डिरेक्टर्स के साथ ट्राई किया ना कसम से बोल रहा हूं न्यू डिरेक्टर्स के साथ एंड ही एवरी न्यू डिरेक्टर सोचो यार पहली बात तो ये रिमेक की पॉलिसी हटाओ यार यार हमारी बॉलीवुड बहुत ही पावरफुल है अगर टैलेंट निकाले ना तो कूट, -कूट के टैलेंटेड एक्टर्स डायरेक्टर्स राइटर्स सब निकलेंगे बाहर आप मौका तो दो सीरियसली थैंक गॉड यार शाहरुख खान रीमेक नहीं करते यार थैंक गॉड फिर चाहे भले वो विमल का ऐड करना पड़ जाए चलेगा लेकिन रीमेक नहीं करते सो so, मैं इतना ही कहूंगा जाते जाते कि यार ये रीमेक की पॉलिसी बहुत ही बेकार है एंड सच में बड़े सेलिब्रिटीज भी करेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा यार एक दो रीमेक तो चलता भी यार लेकिन रीमेक पे रीमेक रीमेक पे रीमेक उफ इट्स टू मच लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत सारे सलमान फैंस मेरे साथ कनेक्टेड है मेरे इंस्टाग्राम पे एंड वो लोग मेरा बात सुनते भी एंड समझते भी है एंड लेकिन मैं बाकी के सलमान फैंस को भी इतना ही कहूंगा कि प्लीज़ अगर आपके ही सलमान भाई कुछ नया ओरिजिनल फिल्म करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा प्राउड होगा लेकिन अगर वही कुछ फ्लॉप फिल्म या रीमेक करेंगे तो आप ही सबसे ज्यादा निराश हो यार होप यू अंडरस्टैंड so यार सो प्लीज़ इतना ही कहूंगा कि आप लोग समझने की कोशिश करना नहीं तो अभी आ जाओगे कॉमेंट में गाली दोगे कि अब भिस उड़ू के तेरी औकात है सलमान भाई को बोलने की सो so प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना। एंड अगर आपको भी मेरे साथ जुड़ना है सोशल मीडिया पर तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो डाईग्राम वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई भी देता हूँ एंड वहाँ पर मैं बिहाइंड द सीन भी डालता हूँ बाय